अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेटा हाइड्रोकार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस किए थे, तो आज हम उन्हीं रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे बेटा। कि जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस डिस्कस किए थे, लाइक कि हमने पढ़ा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, दैट वॉज माई वुड्स रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, जो कि अगेन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, एंड दैट्स कॉल्ड कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। शाबाश। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी इसको बोलते हैं, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटा, इसमें क्या करना है, तो इसमें आपके पास कोई रिएजेंट है ही नहीं, बिकॉज द रिएक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले इसमें हम लेते क्या है, तो इसमें जो आप मेरे बेटे पहला पॉइंट याद रखोगे, इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्ट, एक्वस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश। क्या लेते हैं इसमें बेटा, एक्वस सोडियम और पोटेशियम, एक्वस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी यहां पर दिया होगा आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपके पास दिया होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और आपके पास दिया होगा सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वी कैन सी सॉरी सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इस कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ध्यान देना, सोडियम भी ले सकते हो, जनरली यहां पे हम पोटेशियम ही लेते हैं बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा सोडियम और पोटेशियम। चलो अब इसमें क्या करना है आपको बेटा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, और इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करोगे तो आपके पास मिलेगा प्रोडक्ट एज अल्केन। यहां पे भी जैसे कि वुड्स रिएक्शन में बेटा आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन बना था, और सिमिलरली यहां भी आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन की फॉर्मेशन होगी, लेकिन कैसे होगी, थोड़ा मेथड अलग होगा, ठीक है बेटा। अब यहां पे आपको मैं शॉर्ट तरीका पहले सिखाऊंगा, फिर मैं मैकेनिज्म का अप्रोच दिखाऊंगा। देखो, जब आपके पास दिया होगा, सपोज आपके पास दिया है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एरो के ऊपर लिखा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, आपको खुद समझना है इट इज कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे मैं शॉर्ट तरीका बोलूंगा, आपको क्या करना है, इस CO2 को आपको यहां रिमूव करना है। जब CO2 बेटा यहां पे रिमूव हो जाएगा ना, यहां पे आपको एज्यूम करना है फ्री रेडिकल, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और मैंने आपको बोला है बेटा जब भी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनेगा, जब वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने ही आपके साथ कंबाइन करके बनाएगा R बॉन्डेड टू R, और यहां पे अल्केन बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें क्या है, आप वो याद रखेंगे। देखो बेटा हम कैसे पढ़ेंगे इसको, शाबाश, लिसन लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मैं लूंगा यहां पे एक मैं बीकर लूंगा आपको, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यहां पे मैंने एक बीकर लिया, ध्यान से, सपोज दिस इज माई बीकर, ठीक है बेटा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड को फिट किया, ठीक है बेटा, ध्यान दो, दिस इज माय फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ओके, एंड दिस वन इज माय सेकंड, ठीक है, शाबाश। अब इसमें करना क्या है, मैंने सपोज इनको बेटा कनेक्ट किया, मैंने इनको कनेक्ट किया एक्सटर्नली विया सेल और बैटरी, सेल और बैटरी, देखो ऐसे ऐसे, देखो बेटा अब इसमें लिया क्या, मैंने इसमें लिया मैंने सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक
मैंने लिया सोडियम सॉल्ट इसमें, और ये एक्वस होने के कारण यहां पर वाटर भी अवेलेबल होगा, और इस वाले एंड को मैं बोलूंगा एनोड बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस वाले एंड को मैं बोलूंगा कैथोड। सो व्हाट विल हैपन इन द रिएक्शन, सबसे पहले बेटा इस सेल में हो जाएगी ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगी, तो हम जाएंगे पहले एनोड पे और एनोड से पूछेंगे क्या होगा भाई, एनोड पे होती है बेटा ऑक्सीडेशन, और एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगी वो किसको होगी बेटा, आप यहां जानते हो ऑक्सीडेशन होगी कार्बोक्सिलेट आयन की, यहां पे ओ नेगेटिव है, इसको मैं आपको समझाने के लिए टू टाइम्स लिखूंगा। देखो अब इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ध्यान से बेटा इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ध्यान से ऑक्सीडेशन, शाबाश। देखो तो इसमें जब एनोड के पास जाएगा तो ये वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा तो दो हम लिए तो दो लिखेंगे ताकि आपको समझ आएगा, बैलेंस करने के लिए मैं दो लिख रहा हूं आपके, तो फिर यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई के कारण यहां पर बेटा CO2 बाहर निकलेगा और इस पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास यहां पर CO2 बाहर निकलेगा क्योंकि दो बार लिख रहा हूं मैं, और CO2 बाहर निकलेगा तो यहां पे दो टाइम्स मैं एज्यूम करूंगा फ्री रेडिकल बन गए, और हमने पढ़ा है जब फ्री रेडिकल कुछ नहीं करेगा दे विल कंबाइन, तो ये अप्रोच होता है रिएक्शन का। यहां पर बेटा आपके पास बनेगा आर बॉन्डेड टू आर जिसको हम बोलेंगे अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक याद करो बेटा, ये तो मैंने अप्रोच दिखाया कि ये रिएक्शन होगी कैसे, एनोड पे क्या होती है, यहां पर हो जाएगी बेटा ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, कैसा होगा अप्रोच इस कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का ये मैंने बोला, और दैट मींस यहां पे एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और यहीं पे एनोड पे ही अल्केन की फॉर्मेशन होती है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग द रिएक्शन। हाँ, और इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि आपने देखा कि एनोड पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फ्री रेडिकल ही कंबाइन होते हैं, सो व्हाट हैपेंस इन द कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, देयर ऑकर्स कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स, यहां पर बेटा फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं। हाँ, व्हाट विल हैपन एट द कैथोड, अगर कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे होगी रिडक्शन, अगर हम कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पे होगी बेटा रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होगी, किसकी रिडक्शन होगी बेटा, वो आप खुद यहां पता चल, Na पॉजिटिव की तो रिडक्शन नहीं होगी बेटा, क्योंकि वाटर की रिडक्शन होगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है मेटल से। अब यहां पे मैं जल्दी लिखूंगा, जो ये वाटर है इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन से बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो यहां पर हो गई ऑक्सीडेशन और यहां पर हो गई रिडक्शन। और कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जो आपका सॉल्यूशन का पीएच होगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो सिंपली बेटा आप याद करोगे व्हाट हैपन्स इन द कॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और ये कार्बोक्सिलेट आयन की होती है, वहां पे CO2 गैस रिलीज होता है, वहां पे फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है बेटा, जब फ्री रेडिकल वहां पे बनेगा, हमने पढ़ा है जब भी फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल खुद के साथ कंबाइन करके सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन ही बनेगा इसमें, तो अगर सिमेट्रिकल बनेगा जस्ट लाइक इन द वुड्स रिएक्शन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर बाई दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से मीथेन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यह हुआ इसका मैकेनिज्म अप्रोच। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे कि इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखो बेटा अगर मैं यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैंने लिया सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज दिस इज माई सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने यहां पे दूसरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है बेटा, दिस इज माई सोडियम साल्ट, इसमें मीथेन तो नहीं बनेगा बेटा, दिस इज माई सोडियम साल्ट, यहां पर इंट्रामोलिकुलर भी पॉसिबल है, बस तीन एग्जाम्पल काफी, मैंने यहां लिया COO नेगेटिव K पॉजिटिव, मैंने पोटेशियम साल्ट लिया, लेकिन एक ही मैं दो रखे मैंने, तो यहां पर एरो पे क्या लिखा होगा, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर लिखा होगा शाबाश
कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहां भी क्या लिखा होगा, शाबाश, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहां भी क्या लिखा होगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोई रिएजेंट नहीं है। हमने देखा कि इसमें क्या होता है बेटा और कहां पे कौन सा गैस बनता है, तो शॉर्टकट बोलो मुझे जल्दी से क्या किया सर, यहां पे इस CO2 को बाहर निकालेंगे, निकाला बेटा निकाला, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 बाहर निकलने के बाद यहां नेगेटिव बनता था और H गेन करता था, लेकिन यहां पे डॉट बनेगा, और जब डॉट बनेगा डॉट खुद के साथ कंबाइन करके सिमेट्रिकल बनेगा, इथेन और CO2 बाहर निकलता है वो हमें पता ही है इसमें बेटा। सिमिलरली बेटा इस वाले एग्जाम्पल में CO2 बाहर निकलने के बाद यहां पे डॉट बनाएंगे फ्री रेडिकल, खुद के साथ कंबाइन करके यहां ब्यूटेन बनेगा, और ये तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी तो क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा, यहां डॉट बनेगा, यहां भी CO2 बाहर निकलेगा, यहां पे इंट्रामोलिकुलरली फ्री रेडिकल कंबाइन होके बेटा बनेगी दो चार मेंबर रिंग, तो ये बनेगा यहां पे प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे हमने अल्केन के सारे प्रिपरेशंस डिस्कस किए, ठीक है बेटा। तो अब हम यहां पे सीधे अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, या उससे पहले प्रिपरेशन तो हमने सारे कर लिए बेटा, यहां पे पहले हम कंफॉर्मर्स देखेंगे। व्हाट आर कंफॉर्मर्स, गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंफॉर्मर्स ऑफ इथेन, गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंफॉर्मर्स ऑफ इथेन। देखो बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास जो इथेन मॉलिक्यूल है, हम इथेन की ही बात करेंगे, दिस इज माई इथेन मॉलिक्यूल, हमें यह भी पता है कि इथेन यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और हम जानते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होती है, देयर इज फ्री रोटेशन हैपनिंग अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट बेटा हमेशा एक फ्री रोटेशन होती है। उससे क्या होगा, इस फ्री रोटेशन के कारण क्या होता है बेटा, जब ये एटम फ्री रोटेशन के कारण रोटेट करेगा, जो हमारे पास एटम्स होंगे और ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, और रोटेशन के कारण जब वो ओरिएंटेशन चेंज करेंगे बेटा, उस ओरिएंटेशन के चेंज होने पर, आपके पास नए नए डिफरेंट स्टीरियोमर्स मिलेंगे, और जिनको हम बेटा कंफॉर्मर्स बोलते हैं, जनरली उनको कंफॉर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन आपके लेवल पे दोनों का मतलब सेम है, ऑल्दो देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन सेइंग कंफॉर्मर एंड कंफॉर्मेशन। तो आप लिख सकते हैं बेटा द डिफरेंट, द इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि जब मॉलिक्यूल के बीच में रोटेशन कंटिन्यूअसली होगा बेटा, आपके पास इनफाइनाइट फॉर्म्स मिलेंगे, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रोटेशन, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रोटेशन हैपनिंग अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज कंफॉर्मर्स, उसको बेटा समझने के लिए मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करूंगा, उनको कंफॉर्मर्स बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स को कंफॉर्मर्स बोलते हैं। मैं इसको बोर्ड के लिए शॉर्टली, दो मार्क्स तीन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसको हम बेटा चेंज करेंगे पहले न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, हाँ, क्योंकि हम वही यूज करेंगे, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। देखो बेटा सपोज इसमें कार्बन नंबर वन, इसमें कार्बन नंबर टू, क्योंकि इससे हमें समझ आएगा अच्छे से। फ्रंट कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं, इसके सेकेंड कार्बन को, बैक कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं। यहां पर हम तीन बॉन्ड्स देंगे एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 1, 2, 3, ये फ्रंट कार्बन के तीन बॉन्ड्स है। सिमिलरली बैक कार्बन के भी हम तीन बॉन्ड्स देंगे ऐसे, ऐसा भी पॉसिबल है। और
तो इसको हम तीन एच देंगे क्योंकि इथेन के केस में फ्रंट कार्बन के पास तीन एच है और इसी तरह सिमिलरली बैक कार्बन के पास भी तीन एच है बेटा। हां इसी तरह बेटा इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि इससे हमें इजी होता है कंफॉर्मर बनाना। दिस इज माई फ्रंट कार्बन एंड दिस वन इज माई बैक कार्बन, इसके बिल्कुल पीछे इसके तीन एच जुड़े हैं। मैं इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ये काफी लंबा टॉपिक है। अब यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा बॉन्ड एंगल और डाइहीड्रल एंगल में अंतर क्या है। देखो बेटा, अगर आपके पास द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ द सेम एटम, एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स ऑफ द सेम एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। लेकिन एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स ऑफ द टू एडजेसेंट एटम इट्स कॉल्ड डाइहीड्रल एंगल। ये लिखो, द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स ऑफ द टू एडजेसेंट एटम इज नोन एज डाइहीड्रल एंगल, उसको हम बेटा डाइहीड्रल एंगल बोलते हैं। देखो बेटा, मैं तो इसको यहां पे ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड के लिए शॉर्ट तरीके से। यहां पर अगर बेटा हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कंटिन्यूअसली होती है, कंटिन्यूअसली होती है बट इट्स नॉट 100% फ्री, यहां पर बहुत सारे कारण है बेटा। लेकिन जब ये रोटेट करेगा, सपोज सीखने के लिए हम फ्रंट कार्बन को फिक्स रखेंगे, बैक कार्बन को रोटेट करेंगे, जब ये रोटेट होगा यहां पर इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगी बेटा, जिसको हम टॉर्शनल रिपल्शन बोलते हैं। अगर यहां पर इन ग्रुप्स का साइज बढ़ गया तो उसको वेंडरवाल रिपल्शन बोलते हैं। लेकिन पहले हमने दो एंगल डिफाइन किए, बॉन्ड एंगल डाइहीड्रल एंगल, ओके बेटा। उसके बाद हमने बोला कि कंफॉर्मर एक मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि अगर 0.1 डिग्री भी चेंज हुआ तो रिपल्शन चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी, स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, वो अलग कंफॉर्मर माना जाएगा। लेकिन वी स्टडी सम इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलर कंफॉर्मर्स ऑफ इथेन, तो ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड डाइहीड्रल एंगल चेंजेस कंटिन्यूअसली, ये पॉइंट ऐड करो, ड्यूरिंग द रोटेशन अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड डाइहीड्रल एंगल चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो बेटा यहां पर जो हमारा डाइहीड्रल एंगल है वो हमारे पास कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा, डाइहीड्रल एंगल बेटा कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। उसके बाद ध्यान से, तो इन जनरल हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल सेम रहता है, लेकिन कुछ एग्जांपल में चेंज होगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड एंगल विल रिमेन सेम, आपके लेवल पे सेम रहेगा। हां अब नीचे लिखो, हम मेनली यही दो कंफॉर्मर डील करते हैं। देखो बेटा, क्योंकि मैंने कहा अगर आप रोटेशन करोगे रिपल्शन चेंज हो जाएगी, टोटल रिपल्शन किसमें लगेगी, इसमें, क्योंकि यहां पर ये ग्रुप्स भी नजदीक होंगे। चलो इथेन के केस में हाइड्रोजन है बेटा, ये वंडरवाल रिपल्शन नहीं दिखाते उतने ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगी, तो ये कंफॉर्मर और ये कंफॉर्मर है बेटा, क्योंकि इनमें ये रोटेशन के कारण अरेंजमेंट में अंतर रखते हैं। हां लिखो बेटा, दैट कंफॉर्मर इन विच डाइहीड्रल एंगल इज 60 डिग्री इज नोन एज स्टैगर्ड, इज नोन एज स्टैगर्ड कंफॉर्मर। दैट कंफॉर्मर इन विच डाइहीड्रल एंगल इज 0 डिग्री इज नोन एज इक्लिप्सड कंफॉर्मर, इज नोन एज इक्लिप्सड कंफॉर्मर। तो इथेन के मेनली हमारे पास दो है बेटा, एक है स्टैगर्ड कंफॉर्मर, दूसरा है इक्लिप्सड। जब ये रोटेट करेगा ना बेटा 360 तक, एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करोगे, यही दो कंफॉर्मर आपको मेन मिलेंगे। हां जो 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के दरमियान जो भी कंफॉर्मर्स है उनको हम कॉमनली सिक्यू कंफॉर्मर्स बोलते हैं। दोज कंफॉर्मर्स इन विच डाइहीड्रल एंगल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 60 डिग्री आर नोन एज सिक्यू कंफॉर्मर्स, कंफॉर्मर्स, उनको बेटा हम सिक्यू कंफॉर्मर्स बोलते हैं।
तो दैट मीन्स जो हमारे पास इथेन है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होती है, वो फ्री रोटेशन होने के कारण, वो कंटिन्यूअस रोटेशन होने के कारण, हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से रोटेशन का अंतर ही चेंज हो जाएगा। हम जनरल बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं बेटा, मैं यहां पे इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं। तो जो कंटिन्यूअसली रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट होती है, जो हमने रिप्रेजेंट किया न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में, वो ये होता है फ्रंट कार्बन डॉट से बैक कार्बन सर्कल से, तीन बॉन्ड्स 120 पे, इसको भी तीन बॉन्ड्स 120 पे। तो एक ये कंफॉर्मर, जब ये रोटेट करेगा हमें अनदर कंफॉर्मर मिलेगा, जो इन दोनों के बीच में कंफॉर्मर्स होंगे, उनको हम सिक्यू कंफॉर्मेशंस बोलते हैं। और बेटा अगर हम देखेंगे रिपल्शन, टोटल स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा, टोटल स्ट्रेन जो होगा वो इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी, यहां पर रिपल्शन कम होंगे। तो अगर टोटल स्ट्रेन की बात करेंगे, टोटल स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा, टोटल स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा बेटा, शाबाश, इक्लिप्सिड में, इक्लिप्सिड के बाद होगा सिक्यू में, जो सिक्यू वाले कंफॉर्मेशन होंगे, उसके बाद होगा स्टैगर्ड, शाबाश। अगर बेटा जितना ज्यादा स्ट्रेन उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ऑर्डर भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी का यही रहेगा। तो ये होगा स्टैगर्ड, हां। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इथेन के कंफॉर्मर्स की स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन स्क्यू, स्क्यू इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। तो ये है हमारा इथेन के कंफॉर्मर्स का एनर्जी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो याद रखेंगे इसमें जो डाइहीड्रल एंगल होता है, ये स्टेबल कंफॉर्मर वो होता है 60 डिग्री का, इसमें जो डाइहेड्रल एंगल होता है दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री, ओके। इसमें जो होता है डाइहेड्रल एंगल वो होता है बेटा 0 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैंने ब्रीफली आपको आपके साथ डिस्कस किया, दैट्स द कंफॉर्मर्स ऑफ इथेन, और स्टैगर्ड क्या होता है, इक्लिप्सिड क्या होता है, उनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो बेटा हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट विल बी अगेन द केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, शाबाश। ब्रीफली मैं डिस्कस कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। इसमें बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, तो मुझे एक बात आपको यहां पे जरूर बोलना है बेटा, जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं दे आर जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर होने के कारण दे आर जनरली इनर्ट। ये पॉइंट आप लिखोगे, जो अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, जो अल्केन्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करेंगे, दिस इज माय नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नियरली नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है, तो इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जनरली होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर के कारण दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे कैन रिएक्ट अंडर सर्टन कंडीशंस, तो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस पे रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है बेटा। हम जानते हैं ये कार्बन sp3 होता है,
ये कार्बन भी sp3 होता है, ये कार्बन भी sp3 होता है, sp3 कार्बन, और यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है दैट्स 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये इनर्ट होते हैं जनरली, तो ये रिएक्ट करेंगे। अगर ये रिएक्ट करेंगे बेटा, दे विल रिएक्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस, दैट इज दे विल रिएक्ट एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए अल्केन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वहां पे कुछ कंडीशंस दिए होंगे रिएक्शन में, और उसका कारण क्या है मैंने आपको यहां पे बोला। तो बेटा सबसे पहले जो मैं यहां पर आपके साथ रिएक्शन डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेटा इसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टी, लगभग सारे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें, तो वो स्किप नहीं कर सकते हम, वो हम सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर इसकी हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, वो पहली रिएक्शन है दैट्स बेसिकली सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, वो काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें डिस्कस करना है फोटोहैलोजिनेशन। लेकिन मैं जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहां डिस्कस करूंगा बेटा, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, जनरल मैप यहां पे मैं आपको जनरल मैप दूंगा, हमें ऑक्सीडेशन पढ़नी है ना बेटा, आपको मैं यहां पे एक जनरल मैप दूंगा ऑक्सीडेशन का। देखो, अगर आपके पास होगा अल्केन, जनरल बेटा जनरल, ये अल्केन है मेरे पास, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं कंट्रोल्ड वे में, तो पहले बेटा इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होने के कारण आपके पास अल्कोहल बनेगा। दूसरा, अगर आपने अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को जनरली ऑक्सीडेशन किया, यहां पे और एक एच आ जाएगा, जब और एक ओ आ जाएगा एच के बीच में, तो वहां पे दो ओ एच होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो ये चेंज होगा जनरली एल्डिहाइड या कीटोन में। और फर्दर अगर आपने इसको ऑक्सीडेशन किया तो एक एच और भी बचा है, तो ये चेंज होगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द जनरल मैप फॉर द ऑक्सीडेशन, दिस इज द जनरल मैप फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो उल्टा भी सही है, अगर आप इसको रिडक्शन करोगे तो स्टेप वाइज कंट्रोल्ड वे में, तो रिडक्शन का मैप भी बेटा आपके पास यही होता है। तो आप इसको जनरल में ऐसे याद करोगे, ठीक है, ताकि ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इनका हम यहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी कैन डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मेथड्स, द वेज बाय विच वी कैन रिमेंबर द रिएक्शंस। लेकिन यहां पे बेटा हम जनरल कोई इसका मैकेनिज्म यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमें अल्केन को करनी है ऑक्सीडेशन, तो खुद सोचो बेटा, अल्केन को ऑक्सीडेशन करनी है, यहां पे तो आपके पास अल्कोहल भी मिल सकता है, आपके पास तो एल्डिहाइड भी मिल सकता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एंड यू मे गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने ऐसे क्यों बोला, आप इसको ध्यान दो। तो अल्केन को ऑक्सीडेशन करने के लिए ये आपका मैंने एक मैप दिया है, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा दैट विल डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसीलिए बेटा दिस इज रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन, इट इज रिएजेंट बेस्ड। तो दैट मींस ये जो ऑक्सीडेशन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, ये डिपेंड करेगा सीधे बेटा आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज क्या करते हैं, किसमें कितना पावर है, किसमें कितना ताकत है ऑक्सीडेशन करने का। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे सीधे रिएजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हम इसको सिंपल टर्म्स में, सबसे पहले कॉपर यूज करेंगे एट हाई टेम्परेचर लाइक 573 100 ATM प्रेशर। तो मैंने पहले ही कहा ये रिएक्शन शो करेंगे अंडर सर्टन कंडीशंस। तो ये है हमारे पास पहला रिएजेंट। ओके बेटा, दूसरा रिएजेंट जो मैं आपके सामने यहां पे रख रहा हूं दैट्स मोलिब्डेनियम ऑक्साइड Mo2O3। हीट यहां भी देंगे, ये हमारे पास है दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ठीक है बेटा, और तीसरा जो मैं यहां पे लिखूंगा दैट्स माई मैंगनीज एसिटेट एट हाई टेम्परेचर
तो यहां पे जो हमारे पास तीसरा रिएजेंट है वो ये है, दिस इज माय थर्ड रिएजेंट। अब ये तीन देख लो, अल्किन्स के लिए, अल्किन्स को ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने आपको तीन रिएजेंट्स यहां पे दिखाए। जरा बोलो पहला वाला क्या है बेटा, कॉपर हीट, ओके, मोलिब्डेनियम MOTO3 हीट, मैंगनीज एस्टेट हीट। अब वन बाय वन, ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है ये ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी अल्केन को जनरली अल्कोहल में, ओके। सीधे याद करो, ये ऑक्सीडाइज करेगा इंट एल्डिहाइड, और ये वाला चेंज करेगा इंट कार्बोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन है तो आप याद रखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर है। मैं यहां पर लिखूंगा, ध्यान देना बेटा, ये तीन यहां पे मैंने ऐसे लिखा, जरा बोलो, एक लिया, एक बार लिया, मैं रिएजेंट चेंज करूंगा, दूसरी बार लिया, ओके बेटा, मैंने यहां पे इसको तीसरी बार लिया, ठीक है, और मैंने इसको रिएजेंट दिया, आप खुद बोलोगे कंट्रोल्ड वे में, दिस इज 573 केल्विन, दिस इज माय 100 ATM, दिस इज माय रिएजेंट, ओके बेटा, खुद बोलो, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे। मैंने लिया MO2O3 हीट, जल्दी बोलो क्या बनेगा, मैंने लिया MnCH3 हीट, बोलो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हम, अल्केन की प्रॉपर्टी अंडर सर्टेन कंडीशंस, यहां क्या बनेगा बेटा, यहां तो ऑक्सीडेशन होगी, इसका जो पावर है वो सिर्फ अल्कोहल तक है, तो यहां पे अल्कोहल बनेगा, शाबाश। दूसरे वाले केस में क्या बनेगा जरा मुझे बोलो, इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो है टिल एल्डिहाइड, ओके, यहां पे एल्डिहाइड बना, यहां पर मैंगनीज एसिटेट, तो इसका पावर कहां तक है, सो ये इसको चांटा मार के कहां तक पहुंचाएगा, टिल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमने यहां पर याद रखा बेटा, दिस इज माय कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, शाबाश। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमारे पास और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स KMnO4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4, यहां पर आपके पास KMnO4 भी है बेटा, KMnO4 वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4 एसिडिक और अल्कलाइन, यहां पर KMnO4 हमारे पास है। अब ये क्या करेगा, ध्यान दो बेटा, ये क्या करेगा KMnO4, इसको अच्छे से ध्यान देना, ये जो KMnO4 है ना, इट ऑक्सीडाइज अल्केन्स, स्पेसिफिक है अल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन, जिन अल्केन्स के पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा ये इनको चेंज करेगा इनटू टर्शरी अल्कोहल, दिस इज द कंडीशन फॉर द रिएजेंट। KMnO4 के लिए कंडीशन है बेटा, ये उसी अल्केन को ऑक्सीडाइज करेगा जिस अल्केन के पास क्या होगा, शाबाश, जिस अल्केन के पास होगा टर्शरी हाइड्रोजन, और टर्शरी हाइड्रोजन जब होगा तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा इंट टर्शरी अल्कोहल्स। यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा, जरा मुझे बोलो, ये जो हमारे पास कंपाउंड है क्या इसको KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, क्या इसको KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा, यस सर करेगा, बिकॉज इट कंटेन्स टर्शियरी हाइड्रोजन, और यहां पे ये बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, ये ब्रेक होके बेटा अल्कोहल में चेंज होगा, तो फाइनली जो आपके पास कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी माय टर्शियरी अल्कोहल, यहां पे टर्शियरी अल्कोहल बना। सिमिलरली यहां पे मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूं, जरा मुझे बोलो KMnO4 इसको बेटा ऑक्सीडाइज करेगा, जरा मुझे बोलो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जरा मुझे बोलो बेटा इसको ऑक्सीडाइज करेगा,
KMnO4 जरा मुझे बोलो इसको ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, जरा मुझे बोलो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जरा मुझे बोलो बेटा इसको ऑक्सीडाइज करेगा। हां ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? शाबाश, यहां पर हमारे पास टर्शियरी नहीं है तो यह भी नहीं होगा, यहां भी टर्शियरी नहीं है तो नहीं होगा, यहां भी टर्शियरी नहीं है तो नहीं होगा, यहां पे क्वार्टरनरी है तो नहीं होगा, यहां पर टर्शियरी है, दिस इज माय टर्शियरी, यहां पे हाइड्रोजन होगा, दिस इज माय टर्शियरी, यहां पे होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास ये KMnO4 है ये किस अल्केन को ऑक्सीडाइज करेगा? टू अल्कोहल विच कंटेन्स टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ये हमारी पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, दैट वाज माय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम यहां पर देखेंगे तो वो हम देखेंगे बेटा कंबशन ऑफ अल्केन। तो बेटा मैं पहले छोटे छोटे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि आज मेरी तबीयत बेटा सही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपका क्लास मिस हो जाएगा, स्टिल आई ट्राई टू मैनेज माई क्लास। तो अब हम इसमें जो देखेंगे दैट्स माई कंबशन ऑफ अल्केन। ओके बेटा, कंबशन ऑफ अल्केन्स। देखो बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब हम अल्केन को, अल्केन्स अपॉन कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन मींस आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, एरो के ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, तो यू विल एज्यूम दिस रिएक्शन एज कंप्लीट कंबशन। Alkenes upon complete combustion in presence of atmospheric oxygen to produce carbon dioxide and water. यहां बेटा कार्बन एक, यहां भी एक, हाइड्रोजन यहां चार, यहां तो चार होने चाहिए, ऑक्सीजन यहां पे दो, वहां पे दो, तो टू टाइम्स देना पड़ेगा, दैट मीन ऑक्सीजन इज सफिशिएंट। यहां पे मेंशन भी नहीं है कुछ, जब कुछ मेंशन भी नहीं होगा वी विल एज्यूम एक्सेस अमाउंट एंड हम कंप्लीट पे भरोसा करेंगे, इट्स अ कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन। हाँ तो हम जानते हैं बेटा इस रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि बेटा यहां पर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी रिलीज होती है 890 किलो जूल्स पर मोल, और इसी को हम बेटा बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द जीओसी, हीट ऑफ कंबशन। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू विच अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो बेटा इसी कारण की वजह से हम अल्केन्स को फ्यूल यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा हम जानते हैं इसमें जो हीट एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन वो बहुत ही ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर यहां इथेन को मैं कराऊंगा कंप्लीट कंबशन, ओके मैंने O2 लिया, हम बैलेंस खुद करेंगे, कंप्लीट एज्यूम करेंगे, यहां पर क्या निकलेगा? ऑलवेज CO2 एंड वाटर प्लस हीट ऑफ कंबशन भी निकलेगा बेटा, वो मैं याद वैल्यू सबके नहीं करने आपको, यहां कार्बन दो तो यहां भी दो होने चाहिए, वहां हाइड्रोजन छह तो यहां भी छह होने चाहिए, तीन और चार हो गए सात, यहां इसीलिए 7/2 आएगा बैलेंस के लिए बेटा, दिस इज कंप्लीट कंबशन। यहां पर बेटा आप नोट में लिखोगे द जनरल कंबशन इक्वेशन, इफ द अल्केन इज CnH2n+2 द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर अल्केन इज गिवन एज, द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर अल्केन इज गिवन एज। अगर अल्केन इस टाइप का होगा आपके पास तो हमेशा आपको बराबर लगेगा 3n+1/2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है, हमेशा बनेगा बेटा n टाइम्स CO2 और हमेशा आपके पास मिलेगा n+1 times वाटर, दिस इज द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर अल्केन, दिस इज द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर अल्केन। मैं यहां पे आपको एक बात सिखाऊंगा, जरा मुझे बोलो, मेरे पास है C4H10, ओके तो n है वो क्या आएगा 3n+1, वो आएगा 3n+1, 4 × 3 = 12 + 1 = 13, वो आएगा 13/2, O2 लगेगा, हाँ, कितना बनेगा बेटा CO2 n टाइम्स, दैट मींस 4 टाइम्स बनेगा CO2, वाटर कितना बनेगा 4+1, दैट विल बी 5 टाइम्स बनेगा बेटा आपके पास वाटर। सो दिस इज द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर अल्केन। हाँ तो आप नोट में लिखेंगे बेटा
अगर अल्केन को इनकम्प्लीट कंबशन हो गई, ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन ब्लैक इज फॉर्मड. दिस इज माई सपोज CH4. अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, ये कैसे पता चलेगा? एरो के ऊपर लिखा होगा इनकम्प्लीट. यहां पे वाटर तो बनेगा ही बनेगा कंबशन से, लेकिन जो कार्बन बचेगा वो ब्लैक कार्बन ही बचेगा. दिस इज माई ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक. तो बेटा यहां कार्बन मोनोक्साइड नहीं बनेगा, वो स्टीम के साथ बनता है जब हम रिएक्शन विद स्टीम पढ़ेंगे. तो इस कार्बन ब्लैक बैलेंस करो, कार्बन वहां भी एक यहां भी एक, हाइड्रोजन यहां चार, तो यहां भी इसको टू टाइम्स लिखेंगे. टू टाइम्स मीन्स यहां पे वन ही आएगा. तो वन ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट कंबशन, वन मोल ऑफ O2. ये मीथेन को बेटा इनकम्प्लीट कंबशन करेगा. सिमिलरली बेटा C2H6, ठीक है, मैंने यहां O2 लिया और मैंने आपको बोला मुझे करनी है इसको इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट, आप सीधे कार्बन बनाओगे और वाटर बनाओगे, ठीक है बेटा, वाटर बनाओगे. यहां पर कितने हाइड्रोजन है आपके पास? छह. कार्बन दो, तो यहां भी दो ही बनेंगे. छह तो यहां पर थ्री लिखेंगे और यहां पर आएगा 3/2 ही. तो वहां पर जब हमने कंप्लीट कंबशन किया था इथेन को, वहां पे 7/2 मोल्स ऑफ O2 यूज हुए थे, लेकिन यहां पर बेटा इनकम्प्लीट है तो इसीलिए 3/2 ही O2 यूज हो गया. और ये जो यहां पर कार्बन ब्लैक बना, तो ये आप लिख सकते हो, ये कार्बन ब्लैक काफी इंपॉर्टेंट होता है. यू कैन राइट इट डाउन, you can write it down. The carbon black formed in the reaction, the carbon black formed in the reaction is used in the manufacturing of ink. इसे हम ink बनाते हैं बेटा. In the manufacturing of ink, printer ink बनाते हैं इससे, black pigments बनाते हैं. तो दैट मीन्स ये जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमारे पास, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो हमारे पास बेटा ये कार्बन ब्लैक बनता है, इस कार्बन ब्लैक को हम बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं. तो ये आप याद रखेंगे बेटा. तो एक हमने केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ लिया बेटा, एक हमने पहला पढ़ लिया इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, वो मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया. दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने इसकी पढ़ ली, वो मैंने आपको पढ़ा दी बेटा, कंबशन ऑफ अल्केन्स. और कंबशन ऑफ अल्केन्स में हमने यहां पर दो डिफरेंट बातें याद रख ली कि अगर हम अल्केन को कंप्लीट कंबशन करेंगे, कंप्लीट कंबशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसमें बेटा जब आप एक मोल हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करोगे बेटा, वहां पे जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन. और दूसरा हमने पढ़ लिया कि ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन वहां पे कार्बन ब्लैक बनता है. तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आज मेरी तबीयत बेटा सही नहीं थी, बट मैंने आपकी क्लास ली ताकि आपका टाइम बच जाएगा. तो कल से हम इसको बड़े बड़े लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, 2-3 लेक्चर्स में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑलमोस्ट मैं इसको सारा ही कराऊंगा 90%, क्योंकि इसमें उतना भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं. तो मिलेंगे अगले क्लास में बेटा. अल्लाह हाफिज़.